हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पब्लिश किया गया है, जहाँ पे ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों के ही रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उसी के बारे में। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, एक बहुत बड़ी अपडेट है किस तरह से एप्लीकेशन करना है, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हो। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस नोटिफिकेशन, जिसमें से आप लोग कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन के लिए पहला यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ कौन कौन पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे 19,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा पर मंथ। 18 से 27 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो, 10th पास होना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 वैकेंसीज है, व्हीकल मैकेनिक के ऊपर 19,000, 18 से 25 एंड 10th पास करके एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें भी आप लोगों को 1 वैकेंसी निकल के आया है। इसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, क्लीनर के जहाँ पे 18,000 पर मंथ सैलरी, और इसका जो है एज क्राइटेरिया 18 से 25, 10th ईयर्स के 10th पास करने के बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। 1 वैकेंसीज है। फायरमैन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको 19,000 सैलरी आपको दिया जाएगा। 18 से 25 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, 10th पास करके आप लोग एप्लीकेशन आप लोग भेज सकते हो। 14th यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आया है। इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्लियरली आप लोगों को जैसे कि देख सकते हो, हाइट एंड जो है चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 81.5 सेंटीमीटर, ऑन एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर, और वेट जो है 50 केजीज आपको होना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। मजदूर के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 ईयर्स, 2 वैकेंसीज एंड 10th पास करके आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट के ऊपर बेस करके आपको सिलेक्शन किया जा रहा है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो एज की यहाँ पे जो एज रिलेक्शन है, अगर बात करें SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विस मैन के लिए 5 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स के जो है आपका यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके दिया गया है, जैसे क्लीनर के अंदर कौन कौन कैंडिडेट कब तक एप्लीकेशन कर सकते हो, एज क्राइटेरिया क्या है, सिविलियन मोटर के भी यहाँ पे दिया गया है, व्हीकल मैकेनिक, फायरमैन, मजदूर, ये सारे दिया गया है। फायरमैन के लिए 18 से 25 ईयर्स फॉर अनरिजर्व, OBC 18 से 28 एंड SC जो कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 30 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के साथ साथ आप लोगों को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, रिटन टेस्ट आपके पास होना चाहिए। तो रिटन टेस्ट आपको देना होगा। रिटन टेस्ट के लिए देने के लिए आपको कुछ यहाँ पे दिया गया है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट के लिए 25 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाला है, इंग्लिश के लिए 50 एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए आपका 25, जनरल अवेयरनेस के लिए 150 के जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, एंड 33% अगर आपके पास मार्क्स होता है देन आप डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो, एंड 0.25 के ईच क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव मार्क होने वाला है। 2 आवर्स के जो है एग्ज़ाम के टाइमिंग भी दिया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम के जितने भी जो यहाँ पे सिलेबस उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको जो है यहाँ पे इस सिलेबस के ऊपर जो है एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ क्लियर करके आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन आप लोग 21st ऑफ अगस्त 2022 तक एप्लीकेशन कर सकते हो, और एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में ही करना होगा।
ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारे आपके पास होना चाहिए। जिसके बाद आप लोग यहाँ पे इन सारे जो मैंने आप लोगों को दिया है जो डॉक्यूमेंट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको पहले जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है अपलोड करना होगा। तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर दीजिए। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आज की नोटिफिकेशन, सॉरी आपके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने के लिए फर्स्ट आपको कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो आपको यहाँ पे उसको देना होगा। सेकंड आपका जो नाम है आपको देना होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्राइटेरिया क्या है, हाउस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर आपके पास है तो दे सकते हो, एड्रेस के साथ साथ परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कास्ट कैटेगरी आपके सिलेक्ट करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपका सब कुछ देना होगा। ये सब कुछ देकर आपका इस फॉर्म को जो है फिलअप करना होगा। तो दोस्तों यही था आज की अपडेट। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। वीडियो को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले इस चैनल को।